प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी दुनिया में माहौलियात और इंसानी जिंदगी के लिए बड़ा खतरा बन गया है। इसके बावजूद प्लास्टिक का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। ऐसे में चूरू के सरदार शहर की मासूम बेटियों ने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए बेदार कर रही हैं लोगों को। प्लास्टिक की थैलियों से बीमारियां होती है। इन नन्ही मासूम बच्चों की मासूम अपील को सुनिए। इन मासूम बच्चों की दरख्वास्त से मुंह मत मोड़िए और देखिए प्लास्टिक के कचरे ने नदियों, शहरों और मोहल्ले का क्या हाल कर रखा है। मॉडर्न सोसाइटी में अपनी सहूलियत के लिए जिंदगी का हिस्सा बन जाने वाले ये प्लास्टिक एक दिन इंसानी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। सरदार शहर के वार्ड नंबर 12 और 14 की दो दर्जन से ज्यादा ये छोटी छोटी बच्चियां अपने घरों में, मोहल्लों में, गलियों में, दुकानों में पोस्टर के जरिए टूटी फूटी लिखावट में माहौलियात को बचाने के लिए सबसे बड़ा पैगाम दे रही हैं। ये बच्चियां अपने पापा से कह रही हैं कि पापा घर में प्लास्टिक मत लाना। दुकानदार से कह रही हैं प्लास्टिक खतरनाक है। मोहल्ले में घर घर जाकर लोगों को प्लास्टिक मुक्त बनाने का पैगाम दे रही हैं। छोटी बच्चियों का ये पैगाम एक बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है। घरों के आगे हमने पोस्टर लगाए और हमारे मम्मी पापा को कहा है कि आज के बाद में घर में प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना। हमारे पूरे मोहल्ले वासी और हमारे घर वालों को जागरूक करना चाहते हैं कि प्लास्टिक की थैलियों से हमारा पूरा वातावरण प्रदूषित हो रहा है और हमारे गाय जानवर जितने भी हमारे मोहल्ले के जानवर है वो मर रहे हैं। इसलिए हम पूरे मोहल्ले वासियों को कहना चाहते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग आप बंद कर दें। इन मासूम बच्चियों की बनाई गई रंगोली का ये पैगाम देखिए। दिवाली पर रंग बिरंगी रंगोली के बीच ये बच्चियां माहौलियात को बचाने के लिए पूरी दुनिया को पैगाम दे रही हैं। बच्चों के इसरार पर उनके कुनबे के मेंबरान ने भी अब कपड़े के थैले बनाकर कपड़े बनाना शुरू कर दिया है। बच्चों की इस कोशिश की काफी तारीफ हो रही है और इसका असर धीरे धीरे जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पर प्लास्टिक बैन के लिए अनेक कार्य किए हैं और यहाँ पर रंगोली तैयार करके सजाई है, जो कि हम देखते हैं कि प्लास्टिक के कारण कैंसर रोग की बीमारी होती है। तो आज से हमें प्लास्टिक पर बैन लगाना है और सभी लोगों को जागरूक करना है। देखिए पर्यावरण है तो जीवन है। अभी हमने हमारे राष्ट्रपिता जी की 150वीं जयंती पे सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है और इस पहल में यदि बच्चे सामने आ रहे हैं तो निश्चित ही वो समाज को एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि प्लास्टिक कितना घातक है पर्यावरण के लिए। और बच्चों की ये जो भूमि है वो निश्चित ही सराहनीय है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये समाज में प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मरकजी हुकूमत ने 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर भले ही बैन लगा दिया हो लेकिन अभी भी इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। आवाम की शिरकत से ही हम पॉलीथिन मुक्त मुल्क की तरफ बढ़ सकते हैं। पॉलीथिन के खतरे को जानने के बावजूद इसे रोकने के लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी ही होगी। इन बेटियों ने अपने घर से, मोहल्ले से इसकी शुरुआत कर दी है जिसका पैगाम बहुत दूर तक जाएगा। मनोज प्रजापत, जी मीडिया, सरदार शहर, चुरू। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहली दिवाली है। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवान का कुनबा फौज के जवानों के साथ खास तौर से दिवाली मनाने पहुंचा है। कुनबे को अपने बेटे की शहादत पर फख्र है। श्रीनगर से आई खुशी और रोशनी के त्योहार दिवाली की ये तस्वीर बेहद खास है और खास हो भी क्यों ना। आखिरकार जमीन की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर की तकबीर में ये दिवाली पहली बार जो आ रही है। मुल्क को तो अंग्रेजों से आजादी मिले 70 साल बीत चुके थे लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर को तो असली आजादी इसी साल अगस्त महीने में ही मिली है। दोहरी शहरियत से आजादी मिलने के बाद आज घाटी का बच्चा बच्चा खुश है। यह दिवाली जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक विशेष दीपोत्सव है। जम्मू कश्मीर का भारत के
यूनियन के अंतर्गत संपूर्ण विलय होने के बाद का पहला दिवाली आज हम मनाने वाले हैं। अब हम दुगनी नागरिकता के शिकार अब नहीं है, हमारा एक ही सिटीजनशिप है, वो अब हिंदुस्तान के नागरिक है। और ऐसा एक गर्व के साथ इस बार का इस दिवाली उत्सव को हम सब मनाएंगे। सिर्फ 3 दिन बाद 1 नवंबर से जम्मू कश्मीर मरकज के जेरे इख्तदार रियासत होगी। आर्टिकल 370 से मिली आजादी के बाद कश्मीर के हालात में तेजी से सुधार आया है। दहशतगर्दाना वाकयों पर लगाम लगी है तो आए दिन दिखने वाली पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड पत्थरबाजी भी नदारद है। आज भारत जम्मू कश्मीर की नहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात कर रहा है। और आगे भी जो बातचीत होगी किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं। अब जरा इस तस्वीर को देखें। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवान का कुनबा फौज के जवानों के साथ खासतौर से दिवाली मनाने आया है। अहले खाना को अपने बेटे की शहादत पर फख्र है तो इस बात की भी खुशी है कि उनके बेटे की शहादत जाया नहीं गई। जख्म तो बिल्कुल भी अभी नया ही है, पर फिर भी मैं ना भी चाह के मेरा हौसला बढ़िया है कि मेरे ही बच्चों की तरह ये बच्ची है बॉर्डर से रक्षा करे ना। बीते कई साल से जम्मू कश्मीर में हालात कशीदा थे जिसकी वजह से कश्मीर में तैनात फौज के जवान और उनके कुनबों की दिवाली भी ठंडी हुआ करती थी। लेकिन इस साल बदले हालात में जवानों के कुनबों के लिए भी श्रीनगर में दिवाली को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। जम्मू से लेकर पुंछ और श्रीनगर तक पहुंचकर सैकड़ों बीएसएफ के जवानों के परिवारों ने आपस में खुशियां बांटी। खुशियों की दिवाली वाकई खास है। उम्मीद है कि खुशियों की दिवाली वाली जो तस्वीर इस साल जम्मू कश्मीर में देखने को मिली, जल्द ऐसा नजारा पीओके में भी देखने को मिलेगा। श्रीनगर से खालिद हुसैन और जम्मू से राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको ऐसे मिठाई बाजार लेकर चलते हैं जो बेहद खास है, क्योंकि ये मिठाइयां कैदियों ने बनाई हैं। अपनी जिंदगी को बदलने और नई राह पर चलने के लिए कैदी काफी कुछ नया कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों को कैदियों का काम इतना पसंद आ रहा है कि 2-4 दिन में ही मार्केट में उनके काम की भारी डिमांड बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मिठाई बिना दिवाली कैसी? दिवाली का मौका हो और मुंह मीठा ना किया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिवाली को लेकर लोग भारी मकदार में न सिर्फ घर के लिए बल्कि तोहफे देने के लिए भी मिठाइयां खरीदते हैं। दिवाली से पहले ही मिठाई की दुकानों में रौनक बढ़ जाती है। ऐसी ही रौनक चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में सृजन नाम की दुकान पर भी है, जहाँ मिठाई खरीदने की होड़ मची है। यूं तो मिठाइयां हलवाई या खास कारीगर बनाते हैं, लेकिन सृजन में जो मिठाइयां सजी हुई दिख रही हैं, वो किसी प्रोफेशनल ने नहीं बनाई, बल्कि इन मिठाइयों को बनाया है जेल के कैदियों ने। किसी न किसी जुर्म के चक्कर में चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में बंद कैदियों ने अपने हाथ के हुनर से ये मिठाइयां बनाई हैं। चंडीगढ़ में सृजन नाम से दुकान इंतजामिया की जानिब से खोली गई है, जहां जेल के कैदियों की तरफ से बनाई गई चीजें बेची जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड रहती है मिठाइयों की। दिवाली के मौके पर कैदियों के हाथों से बनी मिठाई की डिमांड इतनी ज्यादा है कि लोग कई कई डब्बे पैक करवा कर जा रहे हैं। यहां यूं तो हर रोज कैदियों के हाथों से बनी मिठाई बिकती है, लेकिन दिवाली के मौके पर मांग ज्यादा बढ़ जाती है और कई बार तो ग्राहकों को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। बहुत ज्यादा है, अभी आप ही देख रहे हैं कि रश कितना ज्यादा लगा हुआ है। हमारे पास मिठाइयाँ सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है, ये तीसरा चौथा चक्कर है जो सप्लाई आई है हमारे पास, और अभी शॉर्टेज चल रही है। खास बात यह है कि कैदियों को मिठाई बनाने का हुनर सिखाने के लिए जेल इंतजामिया की जानिब से एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं। ये प्रोफेशनल्स इन कैदियों को मिठाई बनाने की ट्रेनिंग देते हैं और अपनी निगरानी में ही मिठाइयाँ बनवाते हैं।
हमारे जो इनमेट्स हैं उनको हमने इस तरह से ट्रेन किया है कि वो क्विजीन के अंदर और मिठाइयों के अंदर स्वीट सेक्शन के अंदर अपनी स्किल को डेवलप करें, तो उसके लिए हमने स्पेशली उनको कुछ मिठाइयां बनाने के लिए हमारी एक टीम तैयार करती है, तो सुपरविजन के अंदर वो मिठाई तैयार करते हैं। कैदियों से मिठाई बनवाने के पीछे एक बड़ा मकसद ये है कि इनके हुनर को निखारना है और जब वो जेल से बाहर जाएं तो इस हुनर का इस्तेमाल कर पैसे कमा सकें। जेल इंतजामिया का कहना भी है कि हमारा मकसद कैदियों से मिठाइयां बनवाकर पैसे कमाना नहीं है, बल्कि कैदियों में खुद एतमादी जगाना है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जब इनमेट कोई काम करता है तो केवल उसकी स्किल डेवलप नहीं होती है, उसमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि वो जो एक बर्फी या लड्डू बनाना सीख गया तो आफ्टर रिलीज भी वो उसको कंटिन्यू कर सकता है। जेल सिर्फ सजा देने के लिए नहीं होती बल्कि कैदियों को सुधारने की मुहिम भी यहाँ चलती रहती है, और इसी मुहिम से जुड़ा है कैदियों को ट्रेनिंग देकर उनसे मिठाई और दूसरे सामान बनवाना। जिस तरह से जेल में बने सामान को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं उससे जाहिर है कि कैदियों का खुद एतमाद जरूर बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। पूरे मुल्क में रोशनियों के त्योहार दिवाली की धूम है जिससे पूरा मुल्क जगमगा रहा है। हमारी गंगा जमनी तहजीब की खासियत है कि तमाम मजाहिब के लोग एक साथ सबके त्योहारों में शरीक होते हैं और अकीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं। गंगा जमनी तहजीब की एक कलामत है आफ्ताब हिंदुस्तानी, जो अपने शहर उधमपुर में हर साल एक दिया शहीदों के नाम मनाते हैं। रिपोर्ट देखिए। सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या, उजाला हर तरफ है इस किनारे उस किनारे। दिवाली रोशनियों का त्योहार है जिसकी रोशनी में पूरा मुल्क जगमगा उठता है। हमारी गंगा जमनी तहजीब की यह खासियत है कि यहाँ की मिट्टी में वरासत को संभालने का फन मौजूद है, और इस फन में तमाम मजाहिब के त्योहार हैं जिसको तमाम मजाहिब के लोग मिलकर और अकीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं। इन्हीं में से एक अकीदतमंद है आफ्ताब हिंदुस्तानी, जो अपने शहर उधमपुर में हर साल एक प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है एक दिया शहीदों के नाम। ये हर साल शहीदों के नाम एक दिया जलाते हैं और लोगों को भी इस प्रोग्राम में शरीक करते हैं, और इस तरह से ये फौजियों को खराज अकीदत पेश करते हैं। इस दौरान इन्होंने शहीदों के अहले खाना को भी खराज अकीदत पेश किया और उन शहीदों के अहले खाना को भी खराज अकीदत पेश किया जिनके होनहारों की कुर्बानी की वजह से हम अपने घरों में अमन अमान से रहते हैं। इस मौके पर आफ्ताब हिंदुस्तानी ने कहा कि ये मुल्क हमारा है और हमें इसकी हिफाजत हर हाल में करनी है, और इसके लिए हमें हर तफरीक को मिटाना होगा और सिर्फ हिंदुस्तानी बनना होगा। काश हम अपनी जिंदगियों में भी उन रोशनियों को ले आएं जो हमें ये दर्श दे रही हैं कि आज की रात दिवाली है, दिए रोशन हैं, आज की रात ये लगता है मैं सो सकता हूं। जी मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ महमूद फैसल।